नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, एक बार फिर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में अफरा तफरी मच गई। एक बार फिर से डर का माहौल और जेल में ही इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई। दरअसल खबर है कि जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपनी बैरक में बेहोश पाए गए। पहले सीने में दर्द उठा और फिर बैरक में बेहोशी की हालत में अनिल देशमुख मिले। और सबसे बड़ी बात ये है कि अनिल देशमुख को 24 घंटे से भी अधिक समय तक होश नहीं आया, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब अनिल देशमुख के बेहोश मिलने पर जेल प्रशासन के भी होश उड़ गए। पहले जेल की मेडिकल टीम ने चेक किया, मगर देशमुख किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, जिसके बाद जेल में एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर देशमुख को जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब जेजे अस्पताल में भी अनिल देशमुख की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो आखिरकार क्या हुआ जेल में ऐसा कि अनिल देशमुख अचानक बेहोश हो गए? देशमुख के बेहोश मिलने की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख शुक्रवार यानी कि 26 अगस्त को कारागार में बेहोश हो गए। पूर्व गृह मंत्री को बेहोश होने के बाद मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में लाया गया। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि आर्थर रोड जेल में बंद अनिल देशमुख को पहले चक्कर आए और फिर सीने में दर्द उठा और वो बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है और अस्पताल में उनकी ECG रिपोर्ट भी असामान्य आई है। अधिकारी ने बताया कि अनिल देशमुख का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहां पर भी उनकी हालत बहुत ज्यादा स्थिर नहीं है। अब ये तो जेल के अधिकारी बता रहे हैं, मगर सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख के बेहोश होने की वजह कुछ और ही है। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख 26 अगस्त की सुबह से ही बेचैन थे और खबर तो ये भी आ रही है कि 25 अगस्त को भी अनिल देशमुख रात में सोए नहीं थे। सामने आया है कि वो बार बार अपनी बैरक के अंदर चक्कर काट रहे थे। बेहद कम बोलने वाले देशमुख कुछ बड़बड़ा भी रहे थे और उनके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कि उन्हें किसी बात का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो 26 अगस्त की दोपहर के वक्त अनिल देशमुख ने ना तो खाना खाया और ना ही जेल से जुड़ी किसी एक्टिविटी में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि सुबह के खाने के बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। शाम के करीब 7 बजे उन्हें एक साथी कैदी ने देखा और तब वो जमीन पर गिरे हुए थे। कैदी ने जेल स्टाफ को इसकी सूचना दी और सामने आया कि वो अपनी बैरक में किसी दीवार से टकरा गए थे, जिसके बाद वो गिर गए और फिर वो बेहोश हो गए। सामने आया है कि अनिल देशमुख जेल में अपनी बैरक में करीब 2 से 3 घंटे तक बेहोश रहे, मगर किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगी, क्योंकि 800 कैदियों वाले इस जेल में 3000 से ज्यादा कैदियों को रखा गया है। ऐसे में किसी को भी खबर नहीं लगी। अनिल देशमुख को सुबह के बाद किसी ने नहीं देखा, दोपहर में खाने के लिए भी वो नहीं पहुंचे, मगर किसी ने भी इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। आपको बता दें कि मार्च 2021 में तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद पर रहते हुए पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्टोरेंट और बार से 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूली करने को कहा था। इसके बाद अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में ED ने अरेस्ट कर लिया। तब से ही अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल में बंद है। कई बार अनिल देशमुख की तरफ से जमानत की याचिका डाली गई, मगर हर बार देशमुख की जमानत याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई, क्योंकि अनिल देशमुख पर जो आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं। अब हैरान कर देने वाली बात ये है कि जेल में 2 से 3 घंटे तक अपनी बैरक में अनिल देशमुख बेहोश रहे, मगर किसी को पता तक नहीं चला। अगर देशमुख ने सीने में दर्द और हाई BP की शिकायत की थी तो जेल स्टाफ ने उनको सीरियसली क्यों नहीं लिया? अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि देशमुख का दीवार से टकराना भी संदिग्ध हो सकता है या फिर बनी बनाई कहानी भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों, आपका इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।